नमस्ते फ्रेंड, साईं रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने ये 1 से 1.5 किलो लौकी ली है। उसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, क्योंकि ज़्यादा देर रखना नहीं है, काला पड़ जाएगा। और ये हमने फ्रेश मलाई ली है, एक बॉल छोटी वाली चीनी ली है, थोड़ी किशमिश ली है, और ये काजू बादाम लिए, 1 गिलास दूध लिया। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम कढ़ाई के अंदर देसी घी डाल देंगे 2 चम्मच, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट लिया वो हमें थोड़ी सी रोस्ट करनी है। ये डाल देंगे इसमें। इसी में ये जो हमने किशमिश ली थी इनको भी डाल देंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट हमारे हो चुके, अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। कढ़ाई से हमने ड्राई फ्रूट निकाल लिया। अब हम इसमें 1.5 चम्मच और देसी घी डाल देंगे, क्योंकि घिया काला ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा हमें जल्दी बनाना पड़ेगा। तो अब हम ये घिया डाल देंगे इसके अंदर, लौकी जो कद्दूकस करी थी। अब हम थोड़ा इसे चला देंगे, इस तरीके से घुमाते रहेंगे थोड़ा कच्ची को, ताकि अच्छे से लौकी इसमें भून जाए, इसका जो पानी है ना वो भी सूख जाए। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने ये जो लौकी है इसका सिर्फ किनारे लिए हैं, बीज का हिस्सा हमने देखिए छोड़ दिया है, बीज नहीं लिए बिल्कुल भी। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा इसका पानी कम हो चुका है, तो अब हमने ये जो 1 गिलास दूध लिया था ये डाल देंगे इसके अंदर। अब थोड़े हम गैस को तेज कर देंगे। थोड़ा इसे किनारा कर देते हैं लौकी को इस तरीके से, ये बीच में, ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए पक के। तो इसे थोड़ा थोड़ा किनारा कर देंगे, किनारे पे करने से ना दूध बीच में जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए जल्दी से, बीच में गैस की लौ तेज लगती है ना, तो फटाफट से बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, लगभग दूध जो है हलवे के अंदर सूखता जा रहा है। तो अब हम ये 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे, छोटी इलायची का पाउडर है ये डाल देंगे। छोटी इलायची का पाउडर आपको जरूर डालना है जब भी हलवा बनाएं लौकी का, इससे बहुत टेस्ट भी आएगा, खुशबू आती है। तो दोस्तों देखिए, हमने ये जो फ्रेश मलाई ली थी, 3 दिन की मलाई, इसमें से हम अपने अंदाजे से इसके अंदर मलाई डाल देंगे। जितनी भी आपको जरूरत पड़े उतनी मलाई डाल सकते हैं, पर हमें इतनी मलाई की जरूरत थी, बस हम ये इतनी डालेंगे। मलाई भी अच्छे से मेल्ट होती जा रही है देखिए हलवे में। हमने इसलिए मलाई को डाला है क्योंकि हमारे पास मावा नहीं था। अगर मावा नहीं हो तो हम मलाई भी डाल सकते हैं, अगर मावा डालें आप तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए अच्छे से मलाई पूरी अच्छे से मिक्स हो गई है लौकी के अंदर। अब हम ये जो हमने 1 कटोरी चीनी ली थी, वो हम इसे भी डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ी देर पकने देंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पकने देंगे इसे, जब तक पानी पूरा सूख ना जाए। देखिए दोस्तों, चीनी ने भी कितना पानी छोड़ दिया है, अभी हमें आया हुआ टाइम लगेगा। अभी इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और गैस को थोड़ा सा तेज ही रखेंगे, क्योंकि पानी थोड़ा जल्दी सूख जाए।
देखिए दोस्तों, अब अच्छे से हमारा जो हलवा है लौकी का वो तैयार होने लगा है बनके। तो अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट लिए थे ना, जो रोस्ट करे थे, हम ये डाल देंगे इसके ऊपर। पानी भी बिल्कुल एकदम सूख गया है इसका, और देखिए चीनी का पानी तो वो भी सूख गया है। देखिए दोस्तों, हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब अच्छे से देखिए हलवे से घी भी छूटने लगा है, ये देखिए। हमें सिर्फ इसे 2-3 मिनट तक और चलाना पड़ेगा ताकि बिल्कुल इसमें रंगत अच्छे से आ जाए। देखिए दोस्तों, अब हलवा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए बिना फूड कलर के कलर भी कितना अच्छा आ रहा है हलवे का। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। तो देखिए हलवे को हमने सर्व कर दिया है, और देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम कलर कितना सुंदर आ रहा है इसका। और हमने इसे ज़्यादा देर भी नहीं, 1-1.5 घंटे में तैयार हो गया हलवा बनके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।